हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जब भी हमने T20 वर्ल्ड कप 2020 की ट्रॉफी उठाई थी तो हम सब खुश थे, बहुत खुश थे कि यार चलो यार 11 साल के बाद हमने फिर से ट्रॉफी जीती है एंड 17 साल के बाद वी हैव वंस अगेन बिकेम दैट चैंपियन T20 वर्ल्ड कप। लेकिन यार दुख तो हुआ ही था बिकॉज दिल से तो अंदर से मालूम था कि यार दो ग्रेट्स, द टू लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट फिर से हमें ये फॉर्मेट में देखने नहीं मिलने वाले, दैट इज T20 क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेरे तरफ से एक थैंक यू है, तो एक फेयरवेल वाला वीडियो है दोनों, द किंग एंड द हिटमैन। एंड मैं अगर सच बताऊं तो मैं दोनों का फैन रह चुका हूं अभी तो, ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट बोथ। पहले मैं रोहित का फैन था एंड देन भी इनिशियल स्टेजेस में 3-4 साल पहले मैं कोहली का फैन, तो ना ऑब्वियसली हम चोकली वगैरह बोलते हैं, हम लोग चोकली बोलते हैं, वड़ापा बोलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आइए बात करेंगे एंड लेट स्टार्ट विद द कैप्टन इटसेल्फ, रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा का अगर T20 कर देखोगे एब्सोल्युटली बीस्ट भाई, चार पांच पांच छह छह हंड्रेड्स मार के रखे, आई गेस जॉइंट मोस्ट है हंड्रेड्स मार के रखे हैं, उससे अच्छा हंड्रेड्स कोई मारता नहीं है। एंड सच बताओ कभी कभी वो विकेट फेंक देता है, ऐसा लगता है कि डजंट केयर अबाउट द विकेट, बट अगर एक बार चल गया तो भाई फिर ना खैरियत नहीं है। अगर बात करोगे 2007 में वो पहले टाइम थे एंड उन्होंने जीता भी था, धोनी अभी थे एंड उनके जो दो कॉन्ट्रीब्यूशन जो मुझे अभी भी याद आते हैं, एक तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो 50 मारी थी उन्होंने एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फाइनल में था उन्होंने 16 बॉल 30 मारा था एंड वो वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन था रोहित शर्मा की तरफ से। एंड वो कभी नए नए थे, दुबले पतले थे, एकदम नए नए थे एंड वो पहले वर्ल्ड कप वो जीत जाते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली 2009 आई डोंट नो 10 भी अगर देखोगे 12, 14, 16, ठीक है, ये जो भी इतने सारे T20 वर्ल्ड कप थे उसमें इतना ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाया था, या तो उन्होंने इतना अच्छा फॉर्म नहीं खेला था, एक या दो इनिंग्स खेली देगी। लेकिन अगर बात करोगे उनका जो बेस्ट T20 है, ठीक है, बेस्ट T20 है वर्ल्ड कप अगर मैं कैंपेन बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 2024। जी दोस्तों, अगर आपको पता है 2023 में उन्होंने बोला था कि वी नीड टू चेंज द इंटेंट, भाई हमें इंटेंट चेंज करना है, हमें जो हमारा अप्रोच है वो चेंज करना है। तो कभी कभी कैसे है कि आप बोल तो देते हो लेकिन अगर आप खुद एज अ कैप्टन अगर आप खुद वो इंप्लीमेंट नहीं करोगे, ठीक है, आप एज अ कैप्टन खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप खुद वो इंटेंट और अटैकिंग अप्रोच नहीं दिखाओगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। सो दैट्स व्हाई रोहित शर्मा अगर बात करोगे उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी बोली थी भाई कि T20 में आपका 50 आपका 100 कोई नहीं देखता है, आपको एक इंपैक्टफुल इनिंग्स, ठीक है, आप कम बॉल में जितना ज्यादा रन बनाओगे उतना हमारी टीम या एक कौन सी भी टीम के लिए अच्छा होगा। एंड ये पूरा वर्ल्ड कप में देखा, लाइक एक ऐसा टाइम लगा नहीं मुझे कि वो अपने 50 के लिए कर रहा है, लाइक अगर 48 पे भी है, ठीक है, तो वो एक दो सिंगल नहीं लेगा, वो मारने जाएगा अगर बॉल सही पे रहेगी तो। एंड दिस शोज कि आपका कैप्टन वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे अच्छी पिच हो चाहे खराब पिच हो, ही वॉज ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड एक ऐसा मतलब क्या पहली बॉल से ही वॉज गेट थ्रू कि वो फोर मारूंगा छक्का मारूंगा एंड दैट इज बाय कैप्टन लीडिंग लेजेंड बाय एंड एकदम खतरनाक करियर T20 में। अगर बात करो भाई आईपीएल में उसने पांच पांच आईपीएल ट्रॉफी जीता ही है, ठीक है, 2013 था जब भी मुंबई इंडियंस ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, बट देन व्हेन रोहित शर्मा केम पांच ट्रॉफी जीत चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, पांच ट्रॉफी जीत चुकी थी एंड ऑब्वियसली जो CSK है, ठीक है, जो उनको कोई हरा नहीं पाता था फाइनल्स में, उनको तो 3-4 बार हरा है, धोनी को ही 4 या 5 बार हराया, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट रोहित शर्मा। एंड T20 तो कर दिया था, बट वो जो एक मकसद था कि ICC ट्रॉफी जीतना है वो भी यहाँ पर आप देख लो भाई पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो हैट्स ऑफ भाई, थैंक यू रोहित शर्मा एंड यू हैव बीन द हिटमैन प्रॉपर तरीके से। नाउ कमिंग ऑन टू किंग के बारे में अगर बात करें, 2007 में नहीं थे, 2009 के बारे में आई डोंट नो, 12 भी चलो जान दो मैंने नहीं देखा था, बट अगर बात करें 2014 का जो उनका जो कैंपेन रहा था वो बहुत शानदार था। मुझे एक वो पारी याद आती है 2014 में जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका गेंद जिया 170-175 टारगेट था कुछ तो, एंड तभी रोहित विराट कोहली बहुत बेहतरीन इनिंग्स करके अपने टीम को फाइनल तक लेके जाते। फाइनल में अगर बात करें भले ही वॉज लाइक कि वो मैच हम लोग हार गए थे बिकॉज जो बॉलिंग थी वो टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास तरीके से थी, कुलशेखर एंड मलिंगा। अगर बात करें 2016 में अगर बात करें मोहाली की वो इनिंग्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट वॉज अ जेम ऑफ इनिंग्स यार दोस्तों, जो सिंगल हैंडेडली चेस किया था एंड ये बोलते चेस मास्टर, ठीक है, ये होता है चेस मास्टर। 2016 में एक और इनिंग्स याद आता है मुझे जब पाकिस्तान के अगेंस्ट 120-130 ही बनाना था लेकिन तभी जल्दी विकेट चले गए थे, तभी भी वो खेले थे 40-50 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली थी। एंड देन अगर आप बात करोगे 2016 हो गया, उसके बाद 21 वाला इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2022 में वो जो इनिंग्स, जी हाँ 2022 में वो जो इनिंग्स थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, दैट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स इन द T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री पूरे पूरे ना पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज वो जो इनिंग्स थी ना भाई
दैट इनिंग्स शोड की वाह इज द गोड नॉट इन टेस्ट ऑल्सो इन ओडिया एंड बट टी ट्वेंटी. जी हाँ दोस्तों, ये टी ट्वेंटी का जो रूप है, ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि टी ट्वेंटी है सब छक्के चौके मारते हैं, बट ये बंदे ने जो डिफाइन किया है, ठीक है, एंड जिस तरीके से कैलकुलेट करके चेस मास्टर उसको बोलते थे कि भाई ये रन में इतना इसको टारगेट दूंगा, ही वॉज एब्सोल्युटली द किंग और द बेस्ट एट दिस एरिया. तो भाई किंग के लिए, और भाई ऑब्वियसली 2024 में अगर बात करो पूरे टूर्नामेंट नहीं चले, बट जिस दिन कोई नहीं चला उस दिन वो चले, फाइनल के दिन पे चले भाई, 30-3 थे एंड ही स्टेप्ड अप एंड ही प्लेड लाइक किंग. जी हां दोस्तों, स्ट्राइक रेट पे भले ही बात करते बट इट डजंट रियली मैटर. जी हां दोस्तों, वो एक ऐसा बंदा है कि कभी भी एक्सेलेट कर पाएगा और कभी भी है ना स्लो एंकर इनिंग्स खेल पाएगा. तो यार बोथ हैव बीन द लेजेंड एंड यार दोनों तो अचीव तो करते थे ना, डिजर्व तो करते थे दोनों एक साथ ट्रॉफी. 2013 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई थी एक साथ, वो तभी बच्चे थोड़े यंग थे, बट यार बीइंग द लेजेंड्स, ठीक है, 2024 में आफ्टर लिफ्टिंग द ट्रॉफी दोनों जन को हाथ पे देखे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उन्होंने जो किया है ना भाई, लाइक बहुत कम लोग कर पाते हैं इन द रिसेंट टाइम्स. तो भाई थैंक यू सो मच हिटमैन एंड कोहली, वी हैव बीन एब्सोल्यूटली टू लेजेंड्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. तो भाई जरूर बताना आप लोग, आपका क्या कहना है कोहली के ऊपर, हिटमैन के ऊपर आपकी क्या क्या बेस्ट पारी है, तो बेस्ट मोमेंट्स रहे कोहली और हिटमैन के, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा. बाय, टेक केयर.